Hey everyone, good morning. This is Priya and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब खैरियत से हैं और मज़े में हैं और खुश हैं. तो गाइस, आज है संडे और बज रहे हैं सुबह के 8, और एक साइड में मैंने चाय बनाने को रख दी है और एक साइड में मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है. कपड़ों को मैं रात में ही सोख करके रख देती हूँ डिटर्जेंट के पानी में, ताकि वो नेक्स्ट डे जब मैं धोऊँ तो एकदम क्लीन होके निकले. तो चाय बना रही हूँ और आज नाश्ता जो बना रही हूँ उसमें बनेगा एग भुर्जी और चपाती. तो यहाँ पर मैं चपाती के लिए आटा गूंद रही हूँ. तो आटा गूंद के मैंने रख लिया है, पर चपाती बाद में बनाऊँगी. तो सबसे पहले जो उसके साथ जो बनाने वाली हूँ, यानी कि भुर्जी जो है, वो पहले बना लूँगी. ये इसलिए क्योंकि जब बच्चे नाश्ता करने को बैठेंगे ना, तो उनको गर्मा गर्म रोटियाँ में तभी के तभी सेक के दूँ, इसलिए. तो अभी पहले मैं बना रही हूँ भुर्जी. तो भुर्जी तो गाइज मैं ना एकदम नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, जैसे सबका सेम ही स्टाइल होगा. तो इसमें सबसे पहले मैं ऑयल गर्म करूँगी, इसमें दूँगी राई का तड़का, उसके बाद डालूँगी प्याज और हरी मिर्च, और इन्हें मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी प्याज और हरी मिर्च को. उसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर चॉप किए हुए, और टमाटरों को भी अच्छे से फ्राई कर दूँगी. उसके बाद इसमें डालूँगी पाउडर मसाले, जिसमें होंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक. और उसके बाद इसमें जाएंगे अंडे. और यहाँ पर मेरी एग भुर्जी रेडी है, स्पाइसी टेस्टी, जिसे मैं गार्निश करूँगी धनिया पत्तों के साथ. तो भुर्जी तो रेडी है और बच्चे भी जाग चुके हैं और वो लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें गर्मा गर्म रोटियाँ बनाकर दे रही हूँ मैं अभी. तो बच्चे तो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं. अब ये है मेरा नाश्ता. यहाँ पर है गर्मा गर्म चाय और भुर्जी और चपाती. तो अब मैं करूँगी नाश्ता. तो नाश्ता हो गया है और अब लगते हैं काम पे. तो यहाँ पर मेरी बेटी जो क्रिसमस के डेकोरेशंस है ना, वो उतार रही है, क्योंकि क्रिसमस हो चुका है. और मैं कर रही हूँ किचन में अपना काम, जहाँ पर मैं अभी बर्तन धोऊँगी और उसके बाद किचन क्लीन करूँगी. तो आज मैं आपके साथ गाइस अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ. तो अभी सुबह 8 बजे से तो मैंने शुरू किया है. तो जैसे कि आज संडे है, मैंने आपको बताया, तो शाम को हम लोग बाहर भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको मैं ले चलूँगी साथ में. तो यहाँ पर मेरे किचन में काम भी चल रहा है और साथ ही साथ डांस भी चल रहा है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ. काम करते समय डांस करती हूँ और डांस करते समय काम करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से ना बहुत पॉजिटिव फील होता है और साथ ही साथ एनर्जेटिक भी फील होता है, और काम कब ख़त्म हो जाता है ना पता ही नहीं चलता. तो मुझे बहुत मज़ा आता है म्यूज़िक सुनते सुनते डांस करते करते काम करना. तो आई एम श्योर आप लोगों में से भी कोई ना कोई ऐसा करता ही होगा. तो अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर. तो अभी मेरा किचन तो क्लीन हो गया है, अब मैं पानी के बॉटल्स भर के रख रही हूँ. और कपड़े भी धुल गए हैं, ड्रायर से भी निकाल लिया है, अब इन्हें सूखने को डालूंगी. कपड़े भी डाल दिए सूखने को और बर्तन वगैरह भी हो गए हैं. ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं आपको
आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ, यानी कि मैंने अपना लंच वाला पार्ट नहीं शूट कर पाई। वो इसलिए क्योंकि सडनली गेस्ट आ गए थे, तो मुझे उनको अटेंड भी करना था और दोपहर का लंच वगैरह भी बनाना था, तो इसलिए मैं आफ्टरनून का जो पार्ट है वो शूट नहीं कर पाई। तो इसलिए सीधे आपको मैं शाम को मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पर मैंने शाम की चाय बना ली है और ये है केक, ये रवा केक मैंने बनाया था। तो गाइज़ अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अब टाइम है मेरे बेटे के पढ़ाई का, तो मैं ही उसकी पढ़ाई लेती हूँ, ट्यूशन में नहीं भेजती उसको। तो उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और नेक्स्ट डे मराठी एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं उसकी पढ़ाई ले रही हूँ। मेरे बेटे को मराठी जो सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा मतलब मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन मैं जब स्कूल में थी ना गाइस, तो मैं मराठी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी थी, तो इसीलिए मैं उसे सिखा रही हूँ अभी यहाँ पर मराठी। मैंने ना बहुत सुना है कि बहुत लोग मराठी में लाइक बहुत वीक होते हैं, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है उन लोगों को स्कूल के टाइम पे मराठी सब्जेक्ट, बट मुझे बहुत पसंद था मराठी, बहुत मतलब बहुत ही पसंद था, मुझे फुल मार्क्स मिलते थे मराठी में मेरे स्कूल टाइम पे। तो अब बेटे की पढ़ाई भी हो गई है, अब यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ ही देर में हम निकलेंगे बाहर घूमने के लिए। तो श्रुति भी आ रही है, तो श्रुति वहाँ से कॉल कर रही है क्योंकि हम लोगों ने उसको जल्दी निकलने को बोला था, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की तैयारी नहीं हुई है। तो श्रुति का कॉल आया है और वो निकल चुकी है और हम लोग यहाँ पर तैयार भी नहीं हुए, उसको पता नहीं है, अगर पता चले तो बहुत गुस्सा करेगी। तो इसलिए मेरी बेटी उसको बोल रही कि हम लोग भी रेडी है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत हंसी आ रही है क्योंकि वो निकल चुकी है और हम लोग रेडी भी नहीं हुए, मेरी बेटी भी बहुत हंस रही है। तो फटाफट काम कर रही हूँ मैं अपना। तो गाइस अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज संडे है और आपको पता है हम लोग संडे को कहाँ जाते हैं, बाहर घूमने को जाते हैं ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर और आपको भी बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट जाकर रेडी होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मैं बाहर जा रही हूँ। तो अभी मैं रेडी होती हूँ और रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और ये है श्रुति और मेरी बेटी एक बाइक पे है और मैं और मेरा बेटा एक बाइक पे है। तो आज हम लोगों ने प्लान किया है वसई किला जाने का, यानी कि वसई फोर्ट। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, यहाँ से शुरू होता है वसई फोर्ट, तो बस पहुंच गए। तो अभी हम लोग एंटर करेंगे फोर्ट में। मोस्टली हमारे लिए तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि या तो हम लोग बीच पर जाते हैं या तो यहाँ पर फोर्ट में आ जाते हैं। अच्छा लगता है, ये जगह बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना क्योंकि ज़्यादा पब्लिक नहीं होती, तो प्लस बहुत बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि बहुत यानी कि बहुत पीसफुल है ये जगह, तो अच्छा लगता है यहाँ पर आना। तो इसके पहले भी मैंने वसई फोर्ट का ब्लॉग डाला है, तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप कुछ पेड़ जो है ना वो बहुत बहुत साल पुराने भी पेड़ हैं यहाँ पर, और लाइक बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। आपको ज़्यादातर क्राउड यहाँ पे दिखेगा सैटरडे या संडेज़ को, वीकडेज में तो मोस्टली नहीं आते कोई, तो यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही है।
बोलो कुछ वीडियो करने का क्या? अच्छा। आइए बता रही है हमारे महल में, हमारे राजमहल में आपका स्वागत है। चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे राजमहल में। और हमारे तो मैं भी थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। आई होप आपको मेरा ये स्वागत अच्छा लगा होगा। तो अभी हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं फोर्ट के। तो गाइज मेरे इसके पहले के जो मैंने फोर्ट का जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने बोला था कि आपको ये हिस्सा भी दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तभी, क्योंकि तब भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था। लेकिन आज भी ऐसे ही हुआ है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे और बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे हम लोग। तो मतलब आपको हम लोग लाइक वो जो दूसरा जो पार्ट है ना, वहाँ आपको लेके जाने के पहले ही इतना अंधेरा हो गया, आप देख पा रहे हो कि इतने अंधेरे में तो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल था। बहुत ही अंधेरा हो गया था तो कोई मतलब ही नहीं था कि मैं आपको दूसरे साइड में ले जाऊं। लेकिन वैसे ही फोर्ट जो है हमारे लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है वहाँ पे जाना। तो आई प्रॉमिस अगले टाइम जब मैं जाऊंगी तो आपको ये दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगी उस फोर्ट का। और ये है यहाँ बोट्स है, यहाँ पर बोट राइड भी होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत लेट हो गया था तो ये बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए आपको ठीक से नहीं बता पाई। ये सिर्फ एक आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ इसका, एक छोटा सा ये बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर बोट राइड भी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ना मैं पक्का थोड़ा जल्दी निकलूँगी और आपको ये भी बताऊँगी। इतना आपको पसंद आएगा ना ये, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और बोट राइड वगैरह करते हैं शाम के वक्त ऐसे। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि गाइस इतने मच्छर थे आपको मैं बता नहीं सकती कि वहाँ पर आप एक मिनट भी खड़े नहीं रह पाओगे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो यहाँ से निकलते और मैं और मेरा बेटा, आपने अभी देखा हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग लाइक एक बाइक पे मैं और मेरा बेटा है और एक बाइक पे श्रुति वो लोग हैं। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग एक पार्क में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पार्क में आए हैं। तो गाइस ये पार्क में मैं अभी आई हूँ ना, यहाँ पर पहले एक तालाब है ये, यहाँ पर अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। ये एक तालाब था यहाँ पर जो बहुत पुराना था लेकिन बहुत ही बुरे कंडीशन में था, यानी कि एकदम लाइक गंदगी टाइप, कुछ मेंटेनेंस नहीं कुछ नहीं। बट ये तब की बात है जब मैं शादी करके वसई में आई थी, क्योंकि मैं मुंबई में रहती थी तो मेरी जब शादी हुई तो मैं वसई में आई। तो उसके कुछ ही सालों बाद इन्होंने, आप देख सकते हो उस जगह को इतना ब्यूटीफुल बना दिया है। आप देखिए ये तालाब जो एक टाइम पे कैसा हुआ करता था, आज इतना अच्छा ब्यूटीफुल बना दिया है। इसकी जो लाइट्स है ना वो चेंज होती हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं उसमें, आप देख पा रहे हो इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं। तो बहुत ही प्यारा बना दिया उन्होंने। मैं जब पहले के इस पार्ट को अगर याद करूँ तो बहुत ही ख़राब हालत थी तभी, तो अब हो गया। वहाँ पर भी घूम के आ गए, अभी हम लोग यहाँ पर बेकरी में बैठे हैं, कुछ पेट पूजा कर रहे हैं, जस्ट कुछ स्नैक्स वगैरह ऐसे खा रहे हैं यहाँ पर और थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे हैं। और अब पहुँच गए घर पे, और घर पे आपको बता दूँ यहाँ पर एक इशू चल रहा है, और वो इशू इस बात का है कि क्योंकि मेरे बेटे का जो एग्ज़ाम है वो मराठी है नेक्स्ट डे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग सबको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग मराठी में वीक है मेरे अलावा। तो मैं सबको बोल रही हूँ कि चलो तुम लोग पढ़ के दिखाओ, रीड करके दिखाओ कौन अच्छे से रीड कर पाता है। तो इसी पर मस्ती चल रही थी, तो ऐसे ही करके हमारा दिन एंड हो गया। और तो यहाँ पर मैं भी अपना वीडियो एंड करती हूँ। सो गाइस आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरा ये फुल डे का रूटीन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर गाइस अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिएगा जिससे कि मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे बाय बोलती हूँ, आपको बाय बोलती हूँ और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज़।
एंड फिर से आपको बताती हूँ कि मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय गाइस, बाय. कौन सा लैंग्वेज है, मराठी है या कुछ और है? हाँ, गंभीर. ओके, लावाजा. व्हाट इज लावाजा? लावाजा क्या है?